अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज हम घर में होममेड मीठी बूंदी, स्वीट बूंदी बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए ये एक मैंने बर्तन ले लिया है और ये एक कटोरी बेसन डाल दूंगी और इसे मिक्स करेंगे थोड़ा पानी से। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे। इसका बैटर हमें ऐसा बनाना है सेम लाइक हम डोसे के लिए बनाते हैं ना, डोसे का बैटर कितना थिक होता है इडली का डोसे का, उतना ही थिक बनाने का है। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी पहले शामिल करेंगे। इसमें कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई मेजर करके पानी डालना है या ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने एक कप बेसन लिया है, आप ज़्यादा लेना चाहे बेसन तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। बस इसे मिक्स करना है और डोसे की कंसिस्टेंसी में लाना है, इसे इतना मिक्स करना है। तो थोड़ा सा और मैं मिक्स करूँगी, थोड़ा और लूज़ करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ये ज़रा सा और पानी इसमें लगेगा। ये इतना पानी हो गया और ये इतनी कंसिस्टेंसी पे हमने इसे लेकर आए हैं। ये देखो इतना चाहिए, ये जो रिपल्स गिर रहे ना, ये ऐसे होना चाहिए। तो अब इसी पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक, बिल्कुल इतना सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा हम डालेंगे ईटिंग सोडा, मीठा सोडा, मिक्स करेंगे। अब चूंकि अभी थोड़ा सा हमने इसमें नमक और ये शामिल कर दिया है सोडा, तो थोड़ा पानी और डालेंगे। नमक और ये शामिल करने के बाद थोड़ा पानी और लगेगा। बस अब हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं, आपको बताते हैं नेक्स्ट। अब ये बैटर यहाँ पे हमने तैयार कर दिया है। अभी आप सोच रहे होगा कि ये डब्बा मैंने क्यों लिया है। ये डब्बा मैंने इसके लिए लिया है क्योंकि अभी हम बूंदी डालने वाले हैं, तो जितना ऊंचा से बूंदी डालेंगे उतनी अच्छी टपोरी और जालीदार बूंदी बनती है। क्योंकि हलवाई के तो वो झारे बहुत बड़े बड़े होते हैं, अब हम घर में बना रहे हैं, हमारे पास तो उतने बड़े हलवाई वाले झारे तो नहीं है, तो हम वो जिस तरीके से टैप करते हैं झारे को, तो उसी तरह हम ये लेवल पे रख के टैप करेंगे। तो आपके पास अगर ऐसा डब्बा होगा तो आप ऐसा डब्बा रख के इसके ऊपर, तो अभी हम ये देखिए ये चम्मच हमने यहाँ पे ऐसा रखा, अब हम इसमें शुरू करते हैं डालना। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए ऑटोमेटिकली बूंदी साइड में जाते जाएंगे, तो बूंदी को हिलाने की ज़रूरत नहीं है और दूसरी बूंदियाँ ऊपर से पड़ती रहेगी। ये देखिए ये देखिए, तो इसे ऐसे से थोड़ा सा हिलाएंगे। देखिए बूंदियाँ कितनी हल्की हो रही है, इस तरीके से हल्की लगने लगेगी जब आपको, तो इसे निकाल देंगे हम। तो ये अभी हम इसे निकाल देंगे, इस प्लेट में निकाल देंगे। अब दूसरा प्रोसेस इस तरीके से ही करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी गोल गोल बूंदियाँ निकली है,
बाकी के भी इसी तरह निकालेंगे और आपको इसका दूसरा प्रोसेस बताते हैं। अभी यहाँ पे अभी हम थोड़े से कलरिंग बूंदी बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पे पिंक कलर ले लिया है, आप अपने पसंद का रेड कलर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पिंक कलर की बूंदी बनाऊंगी। इसे इस तरीके से चला लेंगे और सेम ऐसा ही प्रोसेस करना है। अभी अब ये देखिए, ये झाला जब हम दूसरा कलर बनाते हैं ना, तो इस झारे को पोंछ कर लेना है। देखिए हमने इसे पोंछ कर इस तरीके से डालते जाएंगे। बूंदी को हिलाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो साइड में होते जाती है और नई बूंदी झाले से उतरते रहती है नीचे। बस खाली ये पटकने का प्रोसेस चलते रहना चाहिए। ये पिंक कलर की बूंदियाँ भी रेडी हो गई है और ये ऐसे अगर कुछ जुड़ जाए तो ये छूट जाते हैं आसानी से, तो वो कोई टेंशन की बात नहीं है, आसानी से छूट जाते हैं। तो ये ऐसे छूट जाएंगे और ऐसे बारीक बारीक कितने खुले खुले सुटसुटी बूंदी बनी है। अभी हम ग्रीन कलर बनाएंगे और ग्रीन कलर की बूंदी रेडी करेंगे। ऐसे तोड़ देंगे सही हो जाते, कुछ कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब हम ग्रीन कलर बनाएंगे, तो यहाँ पे मैंने ग्रीन फूड कलर लिया है, इतना सा लेंगे, इसमें डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। थोड़ा और लगेगा, थोड़ा डार्क कलर बनाते हैं, ये लाइट लग रहा है कलर। ये बाजार में जो मिलती है वो ऐसी डार्क कलर के होते हैं। ये परफेक्ट कलर है, तो अब मैं इसे साइड में कर देती हूँ और अब हम झाले से डालना शुरू करेंगे। ध्यान रहे जब भी आप नया कलर मिक्स कर रहे हैं तो झाले को अच्छी तरह पोंछ के लीजिए। तो अब हम डालना शुरू करते हैं। बिल्कुल बूंदी हिलाने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ब खुद साइड में होते जाते हैं। बूंदियां तीनों तल के फ्राई करके हो गई है, तो अब हम चाशनी बनाएंगे। तो एक कटोरी मैंने यहाँ पे शक्कर लिया है और उसी के साथ एक कटोरी शक्कर में पौना कटोरी में पानी डालूंगी, यानी कि थोड़ा कम, पौना कटोरी, और इसे मिक्स करेंगे। इसकी चाशनी बनाएंगे, लेकिन हमको इस तरीके से बनानी है, तार वाली नहीं बनानी है, इतना ही इसे पिघलना है कि बस हमारी दोनों उंगलियां आपस में चिपक जाए। तो इसे मेल्ट होने देते हैं, फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। लौंग डाल देंगे इसमें और इसे मेल्ट होने देते हैं। इसकी सिर्फ इतनी चाशनी बनाना है कि हमारी दोनों उंगलियां आपस में चिपक जाए, इतना ही बनाना है। इसको दो तार चाशनी नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखें। ये देखिए, ये अभी हमारी चाशनी हो गई है। ये देखिए, ये जो लास्ट ड्रॉप है, देखो इसमें तार निकल के आ रही है, देखो ये लंबी पुल होकर आ रही है, ये देखो पुल होकर आ रही है, तार निकल रही है ना। और अगर हम फिंगर से भी टच करें तो अब ये उंगली पे चिपक भी रही है। तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, यहाँ रख देंगे और ये हमारी जो बूंदियाँ हैं येलो, पिंक, ग्रीन, ये अभी मैं इसमें सब डालूंगी, मिक्स कर देंगे और इसे कम से कम एक घंटे तक ऐसे ही रखेंगे, इसे बाहर नहीं निकालेंगे। क्यों? तो बूंदी जो है वो अभी ये सिरप एब्जॉर्ब कर लेगी, तो अभी हम इसे ऐसे ही रखेंगे।
फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। तो एक घंटे के लिए रख देंगे। एक घंटा हो गया है तो अब मैं इसमें से निकाल रही हूँ। खुली खुली बूंदी बनी है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगता है, कुछ नया सीखने मिला है, कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को राहत किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। और हाँ, बेल का आइकन ज़रूर दबाइए। उससे क्या होगा कि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। यहाँ पे बूंदी बनाने के लिए हमने कोई मेजरमेंट्स नहीं लिया है। सिंपल इक्वेशन है, एक कटोरी बेसन और एक कटोरी हमने शक्कर लिया है, जिसमें पौना कटोरी पानी डाला था सिरप के लिए। बस यही है। और बैटर इसका बिल्कुल डोसे के कंसिस्टेंसी का ही होना चाहिए। आपकी बूंदी इसी तरह खुली खुली बनेंगी। और एक चीज़, अगर आपके पास कोई डब्बा हो ऊँचा, तो उसके ऊपर रख के आप टैप करते रहिए उसे। जितना आप ऊंचाई से उसको सेंटर में टैप करते रहेंगे, बूंदी उतनी गोल गोल टपोरी बूंदी बनेंगी, गोल गोल और खिली खिली बूंदी बनेंगी। ये देखिए कितनी खिली खिली है, ऐसे फटाफट गिर रही है, इतनी खिली खिली बूंदी बनी है। आज का वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर हमें राहत किचन को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और स्टे होम, स्टे सेफ, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।